वेलकम टू एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए। एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए जो कंप्यूटर नॉलेज का सेक्शन है उसकी हम रिवीजन कर रहे हैं इस लेक्चर सीरीज़ में। लास्ट वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज़ देखे थे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। इस वीडियो में हम देखेंगे शॉर्टकट कीज और कुछ एब्रीवेशंस जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो पहला जो है वो है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग जो है वो इंडेंट दी पैराग्राफ करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी जो है क्रिएट हैंगिंग इंडेंट के लिए किया जाता है। फिर अगला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का प्रयोग जो है वो रिमूव हैंगिंग इंडेंट के लिए किया जाता है, मतलब हैंगिंग इंडेंट को हटाने के लिए किया जाता है। फिर अगला कंट्रोल प्लस वन। कंट्रोल प्लस वन का इस्तेमाल जो है वो लाइन स्पेसिंग के लिए किया जाता है, मतलब एक इंच का लाइन स्पेसिंग करना हो तो कंट्रोल प्लस वन होगा। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, तो दो लाइन के बीच में जो स्पेस होता है इसी को कहा जाता है कंट्रोल लाइन स्पेसिंग। इसके बाद जो अगला कंट्रोल प्लस टू। कंट्रोल प्लस टू का इस्तेमाल जो है डबल लाइन स्पेसिंग के लिए किया जाता है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये डबल हो जाएगा। फिर अगला है कंट्रोल प्लस फाइव। कंट्रोल प्लस फाइव का इस्तेमाल जो है वो 1.5 करने के लिए किया जाता है लाइन स्पेसिंग को, मतलब ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये एक है और कंट्रोल प्लस फाइव दबाने से ये 1.5 गुना हो जाएगा, इसका एक डॉट से दो डॉट का हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट टू। कंट्रोल प्लस शिफ्ट टू का इस्तेमाल जो है वो कमेंट सेल ऐड करने के लिए किया जाता है। अब कमेंट क्या होता है, तो जैसे कोई भी सेल होता है इसमें जो भी डाटा है, जैसे मान लीजिए कि 491 इसमें डाटा दिया हुआ है, तो अब ये 491 डाटा किस चीज़ का है, तो उसके डिस्क्रिप्शन के लिए एक कमेंट ऐड किया जाता है जिसको कि हम लोग कमेंट सेल बोलते हैं। उसका मार्क आपको सेल के कॉर्नर में दिखेगा, जब भी इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसमें कि कमेंट लिखा होता है। तो यही कमेंट ऐड करने के लिए सेल में इस्तेमाल किसका कर सकते हैं शॉर्टकट की के रूप में, तो शिफ्ट प्लस F2। फिर अगला है शिफ्ट प्लस F10 प्लस D। इसका इस्तेमाल कमेंट को रिमूव करने के लिए किया जाता है, मतलब जो भी कमेंट लिखा गया था उसको रिमूव करने के लिए। फिर आता है कंट्रोल प्लस H। कंट्रोल प्लस H का इस्तेमाल होता है फाइंड एंड रिप्लेस, मतलब पूरे फाइल में आपको कोई भी अगर डॉक्यूमेंट खोजना है तो उसका इस्तेमाल करने के लिए, खोजने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस H का इस्तेमाल होता है। फिर आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई ये फिल्टर को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। फिर कंट्रोल प्लस कॉलन। कंट्रोल प्लस कॉलन का इस्तेमाल जो है वो करेंट डेट को एंटर करने के लिए किया जाता है, मतलब आप अपने सीट में कंट्रोल प्लस कॉलन अगर कर देंगे तो जो भी करेंट डेट होगा, जैसे आज का जो भी डेट हुआ वो आ जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, ये कॉलन होता है और ये सेमी कॉलन होता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन का इस्तेमाल जो होता है वो करेंट टाइम के लिए किया जाता है, जैसे कि 12:10 पर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई भी सीट बना रहे हैं, तो उसमें जब आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन प्रेस करेंगे तो करेंट टाइम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के जो होता है वो हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे किसी भी पेज में आप देखते होंगे कोई वेबसाइट का लिंक दिया रहता है, उस पर क्लिक करने से आप जो है सेम पेज से दूसरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, तो उसी को कहा जाता है हाइपरलिंक। फिर उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर साइन। इसका इस्तेमाल जो है करेंसी फॉर्मेट के लिए किया जाता है। इसके बाद है शिफ्ट प्लस स्पेस। शिफ्ट प्लस स्पेस जो है पूरे रो को, एंटायर रो को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। फिर कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस जो है वो एंटायर कॉलम के लिए किया जाता है, सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। फिर एल्ट प्लस डी प्लस सी, ये एक डी ज़्यादा हो गया, एल्ट प्लस डी प्लस सी का इस्तेमाल जो है वो कॉलम को डिलीट करने के लिए किया जाता है। फिर शिफ्ट प्लस स्पेस या फिर कंट्रोल प्लस डैश, इसका इस्तेमाल रो को डिलीट करने के लिए किया जाता है। फिर शिफ्ट कंट्रोल प्लस राइट एरो का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, तो अगर आपको कर्सर के राइट में जितने भी आइटम है, मतलब आपका कर्सर मान लीजिए यहाँ है, तो इसके राइट में जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, सेम वही है जैसे राइट एरो का इस्तेमाल कर्सर के राइट की चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता था, वैसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो प्रेस करने से कर्सर के लेफ्ट की सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो जो है इसका इस्तेमाल कर्सर के नीचे की सारी डाटा को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, वैसे ही डाउन एरो की जगह अगर अप एरो का इस्तेमाल किया जाएगा तो कर्सर के ऊपर की सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी
कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस भी कॉपी डाटा को पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस आई आपका फॉन्ट साइज को इटैलिसाइज मतलब जो ऐसे कर्सिव में लिखा होता है उसके लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस आई। फिर उसी तरीके से कंट्रोल प्लस बी प्रेस करने से बोल्ड कर सकते हैं आप अपने डाटा को, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर एल्ट प्लस एच प्लस ए प्लस सी, तो अल्टरनेट प्लस एच प्लस ए प्लस सी का इस्तेमाल किया जाता है आपके पैराग्राफ को सेंटर में अलाइन करने के लिए। तीन तरीके से अलाइन होती है, लेफ्ट राइट और सेंटर। तो ये तीन तरीके से जो है हम डाटा को पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर का इस्तेमाल आउटर लाइन को बॉर्डर को रिमूव करने के लिए किया जाता है, और ऐड करने के लिए किया तो एल्ट प्लस एच प्लस बी प्रेस करने से बॉर्डर ऐड हो जाता है सेल में। फिर टैब टैब का इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट सेल में मूव होने के लिए, मतलब मान लीजिए इस प्रकार से सेल है तो अगर इसमें आप वर्क कर रहे हैं तो टैब दबाने से आप अगले सेल में चल जाएंगे। फिर उसी तरीके से शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल, तो ये एक सेल पीछे जाने के लिए होता है, मतलब इस तरीके का सेल है इसमें काम कर रहे हैं तो शिफ्ट प्लस टैब दबाने से आप प्रीवियस सेल पर आ जाएंगे। फिर कंट्रोल प्लस एन जो है नए वर्कबुक को ओपन करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल प्लस एल सेव के लिए इस्तेमाल होता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंट वर्कबुक को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, और कंट्रोल प्लस F4 जो है वो एक्सेल को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तक हमने जो है शॉर्टकट कीज़ देख लिए, अब हम जो है कुछ एब्रीवेशन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और अभी तक पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहला MS, MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। फिर XP का मतलब होता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, आपने देखा होगा विंडोज़ XP पहले लिखा हुआ आता था, तो इसमें जो XP है इसका मतलब होता था एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। फिर है PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि सारी जो भी अरिथमेटिक लॉजिकल जो भी कैलकुलेशंस होती हैं कंप्यूटर के सारे प्रोसेसेस CPU के द्वारा ही होती है। फिर HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, हमारे जो भी प्रोग्राम जो भी डाटा वगैरह होते हैं कंप्यूटर के वो हार्ड डिस्क में ही स्टोर होते हैं। इसके बाद जो है GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, ये जो है मेमोरी का टाइप होती है, मेमोरी का साइज होती है, 1 GB बराबर 1024 MB होती है MB। अगला है MB का मतलब होता है मेगाबाइट, इसी तरीके से MB के बाद होता है PB का मतलब होता है पेटाबाइट, फिर EB का मतलब होता है एक्जाबाइट, उसी तरीके से YB का मतलब होता है योटाबाइट, और ZB का मतलब होता है जीटाबाइट। तो इसमें से गीगाबाइट जीटाबाइट पेटाबाइट ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से KB होता है, KB का मतलब होता है किलोबाइट। तो ये जो है मेमोरी साइजेस है कंप्यूटर के, डिफरेंट साइज होते हैं, फाइल साइज आपका MB KB GB इन सब में होता है। इसके बाद जो है अगला एब्रीवेशन वो है MBPS, MBPS का मतलब होता है मेगाबाइट पर सेकंड। ये जो है कंप्यूटर की स्पीड को दर्शाता है, मतलब कोई भी कंप्यूटर जो है कितने समय में पर सेकंड में कितने मेगाबाइट कैलकुलेशन कर रहा है। फिर DM का मतलब होता है डिस्क मैनेजर, कंप्यूटर में डिस्क मैनेजर आप लोग जानते होंगे जैसे कि लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, इस तरीके से होगा, जो ड्राइव होती है उसी को डिस्क मैनेजर कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है FDD जो है इसका मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये जो है पुराने कंप्यूटर्स में आती थी, आजकल तो फ्लॉपी ख़त्म हो गई है, तो उसमें जैसे CD होता था उसी प्रकार से आपका फ्लॉपी डिस्क होता था, इसकी जो है मेमोरी वो 3.5 MB मैक्सिमम होती थी। फिर आता है आपका रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो है वोलाटाइल मेमोरी होती है या टेम्पररी मेमोरी भी इसको कहा जाता है। कंप्यूटर का जो भी कैलकुलेशन होता है वर्किंग पीरियड में वो टेम्पररली जो है रैम में ही स्टोर होता है, और कंप्यूटर की स्पीड जो है रैम पर निर्भर करती है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपका रैम का साइज होगा उतना ही कंप्यूटर जो है फास्ट काम करेगा।
फिर अगला है रोम, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ये कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, जैसे सीडी ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव हो गई, ये सारी रीड ओनली मेमोरी में आती है। इसमें और रैंडम एक्सेस मेमोरी में फ़र्क क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो टेम्पररी मेमोरी होती है और रीड ओनली मेमोरी जो है वो परमानेंट मेमोरी होती है। फिर अगला आता है पी रोम, पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए सिर्फ जो रोम रहेगा, जैसे कि सीडी वगैरह में आप लोग दोबारा डाटा को एडिट नहीं कर सकते, लेकिन पी रोम जैसे पेन ड्राइव वगैरह हो गया उसमें आप डाटा को दोबारा एडिट कर सकते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर उसके बाद आता है ई पी रोम, ई पी रोम का मतलब होता है इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें जैसे है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में हम जो प्रोग्राम को दोबारा एडिट कर सकते थे, इसमें जो है उसको मिटा भी सकते हैं। मतलब जैसे कुछ प्रोग्राम हमने लिखा, फिर उसको इरेज किया, फिर दोबारा उसमें कुछ अपडेशन किया, तो वो ई पी रोम में किया जा सकता है, लेकिन पी रोम और रोम में वो फंक्शन नहीं काम करेगा। उसके बाद अगला आता है डबल ई पी रोम, डबल ई पी रोम का जो फुल फॉर्म है वो होता है इलेक्ट्रिकली ई पी रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद अगला एब्रीवेशन जो है वो है एस रैम, एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी प्रकार से डी रैम, डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सब डायरेक्ट पूछे जाएंगे, सीधा आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा फुल फॉर्म ऑफ, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एस रैम। उसमें तीन ऑप्शन दे दिए रहेंगे, एक रहेगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि डी डी रैम में एम का मतलब क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एम का मतलब मेमोरी होगा, या पूछ देगा आर स्टैंड्स फॉर, तो आर रैंडम एक्सेस मेमोरी में रैंडम के लिए आर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर। फिर आता है DDR, DDR का मतलब होता है डबल डाटा रेट। उसके बाद आता है SDR, SDR का मतलब होता है सिंगल डाटा रेट। फिर NVRAM, NVRAM का मतलब होता है नॉन वोलेटाइल रैम, यानी कि नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी तरीके से WRAM, WRAM का मतलब होता है विंडोज़ रैम, यानी कि विंडोज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर वैसे ही आता है CAM, CAM का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है, जैसे कि डिज़ाइन वगैरह जो होते हैं मशीन्स के, CAD वगैरह, वो सब CAM में आते हैं। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो ये कुछ एब्रीवेशंस थे और शॉर्टकट्स थे दो जो हमने इस वीडियो में देखे। ये एग्जामिनेशन पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा कुछ और अगर हम लोग देखें तो शॉर्ट फॉर्म में जैसे आपसे पूछ सकता है HTML, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसी प्रकार से HTTP, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। और इसके अलावा SMTP भी पूछा जा सकता है, SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IP अभी 2-3 दिन पहले एग्ज़ाम में पूछा गया था, सेम एग्ज़ाम में ही, इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये सारे कुछ और इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन थे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।